तो हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो 450 एचएफ के बारे में होगा, इसकी पावर के बारे में होगा, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में होगा। तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि यहाँ पे आपको ट्रू टोन की तरफ से जो एचएफ आता है, जिसको हम ट्विटर भी बोलते हैं, वो आपका फोर जो मॉडल आपका 450 होगा, इसमें यहाँ पर हाई पावर लिखा हुआ है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम सुरेश, आप देख रहे हैं पायल जेकिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि एचएफ मतलब लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस एचएफ को यूज करना नहीं जानते हैं। कोई कोई इसको कैपेसिटर से चला रहा है, कोई कोई इसको कंडेंसर से चला रहा है, मतलब जो फैन में लगने वाला कंडेंसर उससे इसको चला रहा है। तो आज मैं बताऊंगा इसको चलाने तरीका का और इसको कितने वाट के स्पीकर में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों ये हमारा जो ट्विटर आता है वो आपका 60 वाट से लेकर 70 वाट तक का जो एचएफ होता है, वो आपको 60 वाट का जो ये ट्विटर आता है, इसका जो मॉडल होगा वो आपको 450 होगा। जो इसमें जो स्पीकर, इसको हम स्पीकर में यूज कर सकते हैं 200 वाट से 400 वाट तक के स्पीकर के बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप रखा हुआ है 15 का, तो यहाँ पे हम आपको इसमें भी 450 का यूज कर सकते हैं। कब? जब आपका स्पीकर 400 वाट से ऊपर का ना हो, 15 की स्पीकर 400 वाट का ऊपर ना हो। अगर 12 में आप यूज करें तो 12 के स्पीकर आपको 250 वाट से ऊपर के स्पीकर ना हो, तो आप इसको बेसिकली की यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आगे इसको बता देता हूँ। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, इसको चलाने के लिए लोग इसको फैन के लिए, जो फैन में कैपेसिटर आता है 2.5 का MFD, इसका भी मॉडल आप देख सकते हैं, इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या करते हैं, इसको सिंपली कर देते हैं, एक वायर इसमें कनेक्ट कर देते हैं, एक इसमें आपको इन डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी आपको इस तरह नहीं चलाना, इसको चलाने के लिए आपको स्पेशली क्या करना है, आपको 450 की ही नेटवर्क प्लेट यूज करनी। जितना आपको, जैसे मान लीजिए आपका जो मॉडल है ट्विटर का वो 450 है, इसमें आप देख सकते हैं इसका भी जो मॉडल होगा वो नेशनल की तरफ से ओरिजिनल, जो नेशनल मेहता कंपनी की तरफ से आती है D450, तो इसमें यूज करना है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इसमें अगर आपको ट्विटर D450 है, आप नेटवर्क प्लेट D518 यूज करना है, ये भी नहीं आपको यूज करना है। आपको स्पेशली यूज क्या करना है, आपको हमेशा D450 के अंदर D450 की ही नेटवर्क प्लेट यूज करनी। अब इसका यूज करने के सिंपल से तरीके, जो इसमें इन दिया गया है आपके एम्पलीफायर की जो वायर इसमें लगती है, इसके बाद जो HF का दिया गया है आपको इसमें ब्लैक वाली आपको माइनस में लगा देनी है और प्लस वाली आपको इसमें लगा देना है। इससे आपका HF हो जो बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा, बहुत कम जल इसमें, जब तक आपके नेटवर्क प्लेट सही सलामत रहेगी तब तक आपका ये HF कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कंडेंसर यूज करते हैं वो हमेशा देखते हैं, एक दो प्रोग्राम करवा के आते हैं, जैसे बेस वेस पड़ता है, बेस वगैरह इसमें डालते हैं, तो ये HF आपको बार बार जल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा 450 से ही इसको चलाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस इससे मिलेगा। आपको लाइव प्रोग्राम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, डीजे कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं, डीजे बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली अगर आपको कंपटीशन के लिए करना है तो आप अलग से ट्विटर पेटी बनवा के उसमें आप 450 और 450 का HF और 450 की नेटवर्क प्लेट या क्रॉस ओवर भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।